भाभी जी घर पर हैं। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। अरे यार भाभी जी, अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो फिर कुत्ते की तरह पीटेंगे। अरे सेठ जी, ऐसे कैसे छुपे बैठे हो? कोई कर्जदार पीछे पड़ गया क्या? लगता है भाभी जी से कर्ज ले रखो है। आदिया, ये तुम लोग किससे बात कर रहे हो? कौन है वहाँ? भाभी जी, ये हमारे विभूति भैया आ गए। हाँ। पुण्य से तो भगवान भी मिल जाता है। कि नर्स तो इंसान होता है। देखिए ना लड्डू के भैया कौन आई है। नर्स। तुम नर्स हो? ए मुख पोड़ा। और अंगूरी जी ये बताइए आपकी तबीयत कैसी है? आप थोड़ा ठीक है पहले से। अरे यार इसको भी अभी आना था, अब ये खाम खा कर रायता फैला। भाभी जी तो इस नर्स के साथ आमो तुमा की भालोबाशी कर रही है। आपको एक बात पूछे? पूछो। तुम कभी किसी को प्यार किया है? किसको किया है? लड्डू के भैया। हर अब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? हमें आप पे प्यार आ रहा है। मैं अगर आपको एक बात बताऊंगी ना तो आप हिल जाएंगी जैसे मैं हिल गई हूँ। कहाँ हिल जाएंगे? मुझे आपको बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि आपके लड्डू के भैया यानी कि तिवारी जी उस टाइप के। तिवारी जी विभू के साथ दोस्ताना निभा रहे हैं। हे प्रभु, हमें भजन वजन गाना तो आता नहीं है, तो फिलहाल हम मोबाइल पर ही आपके लिए भजन सुना देते हैं। भाभी जी मेरे अंदाजे के मुताबिक पूजा करने अपने गार्डन में आ चुकी हैं। उनकी मधुर आवाज मेरे कानों में पहुंच रही है। अभी आंखें सिर्फ डायरेक्टली भाभी जी के सामने खुलेंगी। जब उनकी आंखें मेरी आंखों से चार होंगी और एक काजल अपना चमत्कार दिखाएगा तो मेरे भाभी जी मुझे सेट हो जाएंगे वंस एंड फॉर ऑल। इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट? कौन है विभूति? लड्डू के भैया से उम्मीद बिल्कुल ना आई था, बिल्कुल ना आई। हमको तो सोच के ही घिन आता है। अभी घर में हम एक पल ना ही रुकेंगे, हम जा रहे हैं घर से। अरे बहुरिया। हाय दी अम्मा जी। अम्मा जी। तुम्हारी क्या हुआ? क्या हुआ है? क्या हुआ बहुरिया? काहे रो रही है? हम आपको कितना काल किए, कितना काल किए, आपका काल ही नहीं लग रहा था। अरे कहा बताए बहुरिया, काहे फोन नहीं लगा? लेकिन तू काहे रो रही है और ये सब बैग वैग लेके कहाँ जा रही है, हैं? हम कहा सोचे थे लड्डू के भैया के लिए, कहा सोचे थे और कहा निकले? का किया? का किया वो बैल ने बता हमको? उनको हम में कोनो दिलचस्पी नहीं है। तेरे में दिलचस्पी नहीं है तो फिर किस में है? कौन कौन है वो चुड़ैल औरत, हमको बता। वो चुड़ैल नहीं है, भूत है। हैं? भभूति जी है। हाय राम, मतलब कि बैल जो है वो नल्ले के साथ में दोस्ताना निभा रहा है। अम्मा जी, और आपको पता है सर आम भभूति जी को किस भी किए? हे भगवान।
हेलो डॉक्टर। हेलो, लेकिन ये आपने मुंह क्यों छुपा रखा भाई, हमसे कैसी शर्म? पहले वादा कीजिए कि आप किसी से कुछ नहीं बताएंगे। अरे भाई, हमारे बिजनेस का असूल है, इस हाथ से लेते हैं तो दूसरे हाथ को पता तक नहीं चलने देते। ओ मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, द रॉयल ब्लू ब्लड। वैसे मुझे पूरा यकीन था कि आप यहाँ पे जरूर आएंगे। वो कैसे? वो क्या ना कि मैंने उसी दिन ऑब्जर्व कर लिया था कि आपके रॉयल ब्लू ब्लड में बेरोजगारी के कीड़े बिलबिला रहे हैं। मुझे करना क्या होगा? बस कुछ नहीं, अपनी जीवन सुधा दीजिए, कीमत उठाइए और प्रस्थान कीजिए। नहीं दे दूं? अरे नहीं नहीं नहीं, उसके लिए कमरा बनाया हुआ हमने। शीला, शीला। हेलो डॉक्टर। हेलो, ये शीला है हमारी नर्स। शीला सर को कमरे में ले जाओ। ओके डॉक्टर। भाभी जी घर पर हैं? हाय हाय तिवारी जी, भाभी जी अभी तो घर पे हैं, लेकिन ज्यादा दिन इस घर में अब रह नहीं पाएंगी। ये क्या बात कर रही है भाभी जी? मुझे लगता है बहुत जल्द मुझे ये घर छोड़ना पड़ेगा। नहीं भाभी जी, देखिए इस टाइप की बातें मत करिए। जब भी आप ऐसी बातें करती है ना भाभी जी, हमारे हमारे हृदय पर बर्छियां चलने लगती हैं। अब देखिए ना भाभी जी, आप तो अंगूरी की सबसे प्रिय सहेली है। भाभी जी आप चली जाएंगी तो हम तो मतलब अंगूरी अधूरी रह जाएगी ना। मैं समझ सकती हूँ तिवारी जी, लेकिन आपको तो पता है ना मैं अकेले इस घर को चलाती हूँ, और मैं अब इस घर का किराया अकेले अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। इस घर का किराया, इस घर का डिपॉजिट सब बढ़ गया है, और विभु बेरोजगार का बेरोजगार। अरे तुम तलाक काहे नहीं दे देती? ये क्या वाहियात सलाह दे रहे आप मेरी सहेली को? क्यों अनुराग? आजा मीने, लाजा बैठ, बैठो अनुराग। मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन अगर तू अपने पड़ोसियों की ऐसी घटिया सलाह मानेगी ना तो तू तो बर्बादी हो जाएगी। तो आपके पति बाप नहीं बनना चाहते? सही पकड़े हैं। तो बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप कुछ ऐसा उपाय बताइए ना कि जिससे हमारा बैल जो है बाप बनने के लिए राजी हो जाए। एक काम कीजिए, कच्चा आम और इमली का है मंगाई। रोने का मन कर रहा है पगली? हम माँ बनने वाले हैं। आप मामा बनने वाले हैं? मामा मतलब? मामा मतलब हम बाप बनने वाले हैं, अंगूरी माँ बनने वाली है। चलिए विभूति उठिए। हिम्मत मत हारना बहू, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा। अचानक से विशु और सृष्टि जी के जोड़ी में एक नई जान आ गई है। वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन देखना है फिनिशिंग लाइन तक पहुंच पाते हैं या नहीं। यशोदा द्वारा खींची अभिमंत्रित रेखा को नंद का रूप धर पार करता है राहु। तब तक तुम मेरे बाबा का पता नहीं बता देते, तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकते। कौन है जो इस राहु को रोकेगा? थारे को पहले से ज्यादा ध्यान रखना होगा, ठीक उसी तरह जिस तरह अर्जुन ने मछली की आंख भेदने के वक्त लगाई थी। क्या हुआ लकी जी, आपने भूत देख लिया के? आप छुप करके ये नियम भी तोड़ दिए? जो शर्त की सजा से आपको बचने ना दे सकते, आपने और लखाने दोनों ने सजा मिलेगी।